नमस्कार। आज एक अलग टॉपिक है ना। ये जो डॉक्टर सिमरन है ना यहाँ पे, जो जिन्होंने आपसे बात किया, मेरे पास एक दिन आई, क्योंकि इनके पास मोहल्ला क्लिनिक है। देखा है, आप में से कितने लोगों ने इनसे इलाज कराया है किसी न किसी कारण से? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करने में क्या मुसीबत है? ठीक है, तो ये अपने जो ये है ना शिवालिक रोड, जहां बस स्टैंड है, बस स्टैंड के जस्ट पीछे ये बैठते हैं। वहां क्या बना हुआ है? मोहल्ला। क्या बना है? मोहल्ला क्लिनिक। किसने बनाया है? मैंने और अरविंद केजरीवाल ने। किसने बनाया है? माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है। ये क्यों बनाया है ना? देखो, जितनी बड़ी महिलाएं, जितनी मेरी बड़ी बहनें हैं, उन सबको पता है कि ये हर घर की रीत है। महिलाएं अपनी चिंता नहीं करती, बच्चों की चिंता करेगी, पति की चिंता करेगी, सबसे आखिरी में अपनी चिंता करती है। अगर घर में 100 रुपया है तो 100 रुपया में सबसे पहले बच्चों की, फिर पति की, फिर बच खुच गया तो अपने ऊपर। गलत तो नहीं कह रहा मैं? और ये हर घर की हालत है, गरीब की भी और अमीर की भी। इसलिए मैं इस बात से चिंतित रहता हूं कि जो मेरी गरीब बहनें, गरीब बेटियां हैं, उन सबको स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में मिल सके। इस मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर साहब ने केजरीवाल जी के माध्यम से 250 टेस्ट मुफ्त, कई सारे टेस्ट में तो 5,000 6,000 लग जाता है, इतनी महंगी महंगे टेस्ट हैं। सारे टेस्ट मुफ्त हो रहा है, सारे टेस्ट मुफ्त हो रहा है, सारी दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, सारी दवाइयां, एक भी भाषा नहीं लेनी पड़ती। और डॉक्टर कौन है? लेडी। तो सारी महिलाएं अपनी जाके ढंग से बात कर सकती हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आज से कसम खाओ कि अपनी सेहत का खुद ख्याल रखोगे, ठीक है? और सभी लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसे चले जाया करो 6 महीने में, 3 महीने में, डॉक्टर साहब मेरा पूरा चेकअप कर दो, ठीक है? अगर समस्या बड़ी हो जाती है ना, तो वहां से फिर वापस आना मुश्किल होता है। अगर समस्या शुरू में पकड़ ली जाए तो उसका इलाज संभव है। इसलिए आज मोहल्ला क्लिनिक के जो डॉक्टर डॉक्टर सुमरन हमारे पास आए हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इनके पास सब जाना और सब अपना पूरा चेक कराना। बड़े बड़े महंगे महंगे टेस्ट भी सारे मुफ्त हो रहे हैं, केजरीवाल जी ने करा दिया। पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे विश्व में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ जो ये काम कर दे। डॉक्टर साहब से मैंने एक बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि 30% से ज्यादा महिलाएं जो उनके पास आ रही हैं, वो आज भी जो दिखाया ना अक्षय कुमार, जब अपनी बीवी से बात कर रहा था, वही पुराने तरीके, जिसमें कि पुराने कपड़े, उसमें सेप्टिक हो जाए, इंफेक्शन हो जाए। बहुत महिलाओं ने जान गवाया है इसमें, बहुत महिलाओं ने। और गांव में तो बहुत बुरी हालत है, तो मुझे लगा कि अरे दिल्ली में और मेरी विधानसभा में ऐसी स्थिति हो रही है। तो हमने सबसे बात किया, मैंने कहा कि क्या कारण है जी? तो किसी ने, बहुत लोगों ने कहा कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं होता इतना। गलत नहीं कह रहा? तो पैसा नहीं होना केजरीवाल जी के शासनकाल में, सोमनाथ भारती जब तक तुम्हारा विधायक है, तुम्हारे स्वास्थ्य के आड़े नहीं आने देंगे हम, ठीक है? पैसा हो या पैसा ना हो, सुविधाएं सारी मिलेंगी, सबको बराबर की सुविधा मिलेगी, ठीक है? तो आज हमने इसी इसी आधार पे ये मूवी भी दिखाने का, जो कि मूवी में जो बातें साफ हो जाएंगी, ना डॉक्टर साहब कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगा उतना साफ साफ बातें, है ना? तो पहली बात, ये भगवान का देन है, महिलाएं ही। देखो, पुरुषों के जरिए बच्चे नहीं आते दुनिया में, इस बात के लिए परमात्मा ने किसको ट्रस्ट किया? महिलाओं को ट्रस्ट किया, है कि नहीं? पुरुष कितना भी कहे मैं महान हूं, ये हूं, फलाना हूं, ढिमका हूं, लेकिन इस काम के लिए परमात्मा ने महिलाओं को चुना है। इसीलिए आज सभी लोग इस बात का संकल्प लेंगे, वो भी पूरी देखेंगे, और संकल्प लेंगे कि जी आज के बाद जिंदगी में
हम कभी भी पुराने तरीकों से नहीं रहेंगे, सैनिटरी पैड यूज करेंगे और आसपास में जितनी बहनें बेटियां माएं जो हो सबको बोलेंगे कि सैनिटरी पैड यूज करो और गंदगी में ना रहो। ठीक है, राजी हो? हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग राजी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो पॉजिटिव है, अच्छा है। तो ये बच्चों मेरी भी बेटी है, ठीक है, अभी तो 11 साल की है वो। ये हर घर की हालत है, खुल के बातें नहीं। इसने क्या क्या रखा नाम है उसका, खुलकर करें बात। क्या बोला? किसके साथ? स्वच्छता सहेली के साथ। क्या बोला? तो आपकी सहेलियां कौन है? देखो, एक तो गुरप्रीत है, एक डॉक्टर है यहां, मानसी है, डॉक्टर सिमरन है, अलका है, नीलम है, पीछे वो ममाद्री खड़ी है, इशारे मीनाक्षी है, नीतू है, सभी लोग, ये सारे स्वच्छता सहेली। कौन है? जोर से बोलो सब। इधर आ जाओ एक मिनट, सारे इधर आ जाओ, सारे बोलते जो महिलाएं हैं हमारी, बेटियां जो हमारी, इधर आ जाओ एक बार, सबके चेहरे देख लें। आ जाओ डॉक्टर साहब, आप भी आ जाओ। आंगनबाड़ी के हमारे इशारे देखो, आंगनबाड़ी के साथियों ने बहुत मेहनत की है, जोरदार ताली बजाने के लिए एक बार। ये आंगनबाड़ी की जितनी हमारी बहनें हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन देश में है इसका कोई अंदाजा नहीं बेटा। इन्होंने घर घर जा जा करके, एक एक घर से रिश्ता स्थापित करके, ये सभी हमारे लिए स्वच्छता सहेलियां हैं। कौन है आपके लिए? जोर से बोलो। ठीक है, तो जब भी कोई इस महामारी के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में कोई तकलीफ हो, तो बातचीत करनी हो, तो सब उपलब्ध है तुम्हारे यहां। तो मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार ताली बजा करके इनका धन्यवाद करो, जिससे कि ये जो पैड मिल रहा है ना, ये सबको नाम के साथ मिलेगा। ये हम हर महीने देने का प्रयत्न करेंगे, हर महीने एक कार्ड बना देंगे। ठीक है, कुछ तो पैसा बचेगा, और उसके बाद जो ये किसी को रोग नहीं होगा, जब किसी को रोग नहीं होगा, सारे स्वस्थ रहेंगी, तो सरकार को भी फायदा है। नहीं, बीमार पड़ने के बाद देखभाल कौन करेगा? वही केजरीवाल है कि नहीं? इसीलिए बीमार पड़ने की नौबत ही नहीं आने देंगे हम, कि ना बीमार पड़े ना सरकार का खर्चा बढ़े। करना तो पड़ेगा घर वालों को ही ना जी, चाहे केजरीवाल जी अभी आए, चाहे केजरीवाल जी बाद में आए, सोमनाथ भारती अभी आए, सोमनाथ भारती बाद में आए। तो अपनी संस्था है ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन, उसके माध्यम से आज हमने कार्यक्रम भी किया, और आप सबसे डॉक्टर ने भी बात की, हमारे आंगनवाड़ी के साथियों ने बात की, मेरी कार्यकर्ताओं ने बात की, सब ने बात की। तो कौन कौन है इंदिरा कैंप से? इधर मीनाक्षी, सविता, सविता कहाँ है? हाँ सविता, और वो लड़की, हाँ ये गीता, माधुरी, और कौन है इंदिरा कैंप से? कौन कौन आंगनवाड़ी वाले नाम? बबीता जी, ममता जी, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ उधर बेगमपुर वाल्मीकि कैंप से भी हमारे साथी है, रानी है, ज्योति है, भूमिका है, और बेटा नंदनी है, और खुशबू है। ठीक है, तो ये सभी वाल्मीकि कैंप के लोग हो गए, ये इंदिरा कैंप के लोग हो गए, जो वहीं रहते हैं। ठीक है ना, इनको पकड़ लेना, इनका नाम क्या रखेंगे? पैड दीदी है ना, उधर ना पैड मैन था वो, है कि नहीं बेटा? जब बात करेंगे ना तब काम होगा। पैड वुमन कह दो, पैड दीदी कह दो, हिंदुस्तानी तरीके से। ठीक है, तो कभी हिचकिचाना नहीं, कभी अपने स्वास्थ्य को लेके हमने चुप नहीं बैठना। आप हैं, देखो मैं अक्सर अपने पुरुष साथियों कहता हूं, पुरुष घर में ना रहे घर चल जाता है, महिला घर में ना रहे घर बर्बाद हो जाता है। गलत तो नहीं कह रहा? एक दिन तुम चले जाती हो मायके, उठ के सारा कुछ समस्या हो जाती है पीछे, ना सामान अपनी जगह है, ना खाना अपनी जगह है, ना घर अपनी जगह है। इसीलिए महिलाओं का
जो रोल है उसे कोई पुरुष कंप्लीट नहीं कर सकता बेटा। इसलिए अपने आप को संभालो, अपनी स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करो और अपनी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है? पक्का? डॉक्टर सिमरन, अगर आपके पास ये लोग आए इनकी पूरी हेल्थ चेकअप करा दो सबकी, जो जो आए हेल्थ चेकअप कराओ। चलो तो ये बढ़िया हो गया ना आज का कार्यक्रम। अब ये मूवी चलेगी आगे और उसके बीच में अभी थोड़ा देर और चलाएंगे, फिर हम ये पैक बांटेंगे। हाँ, और ये पहले बैठ बैठ ले। अच्छा ठीक है, कितने लोगों को पूरी मूवी देखनी है, हाथ खड़ा करो। पूरी मूवी देखनी है? अच्छा ठीक है, तो ये अब हम थोड़ी देर में 15 मिनट और चला के फिर हम इसको मूवी देखेंगे, ये बैग बांटेंगे फिर। 15 मिनट चलेगा? अच्छा ठीक। हाँ जी बच्चों चलो, तो नेट के वी शुड गो अहेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों जी? हाँ मूवी चलेगी ना, अरे सुनो आप बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, मूवी चलते चलते मैं बांटना शुरू कर दूंगा, ठीक है? कहीं लाइन में नहीं लगना, कहीं झगड़ा झंझट नहीं करना, कहीं ये छीना झपटी नहीं करना, आराम से बैठे रहो, मूवी देखते रहो और अपने हाथ में पकड़ते रहो। अच्छा बैठ जा, तू ये अलग से दिखाएंगे, बैठ जा। चलो अब ये मूवी स्टार्ट हो रहा है और मैं साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जो आपकी पैक दीदियां हैं ये सभी बांटेंगे आपको, ठीक है? ऑलराइट ओके। और जो बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ती हैं उनके लिए भी सरकार ने इंतजाम कर लिया, क्योंकि पिछले कुछ समय से नहीं मिल रहा था आप लोगों को, है ना? तो सरकार ने इंतजाम कर लिया है कि स्कूल ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा अगले महीने से। दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्कूल के अंदर जो बच्चियां हमारी जिनको जरूरत होती है उनको स्कूल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, और मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि अपनी संस्था के माध्यम से भी कुछ वहां पे काम करूं, ठीक है? अब हम ये मूवी स्टार्ट करेंगे भाई साहब और एक एक करके मैं डिस्ट्रीब्यूट करता जाऊंगा। ओके थैंक यू जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाएगा आराम से।